और इस्लाम में दाखिले का मतलब क्या है अपने अकीदे को दुरुस्त कर लो अपने आमाल को दुरुस्त कर लो अल्लाह के वजूद पर ईमान ले आओ अल्लाह की तोहद पर ईमान ले आओ मान लो कि अल्लाह है अफिल्ला ही शक समावाती वल अर्ज़ भला उस अल्लाह में शक करते हो जिसने आसमानों और ज़मीन को बनाया क़ुरान का अंदाज़ देखिए कुरान जब दलील देता है तो उसका अंदाज़ मंतिकी नहीं होता रियाजी की तरह कैलकुलेशन वाला अंदाज़ नहीं होता कुरान का जैसे आप बताएं ना दो और दो किस क्या होते हैं चार क़ुरान इसी बात को जब बयान करेगा तो कहेगा भला दो चीज़ों को दो चीज़ों में जमा किया जाए तो अगर चार जवाब नहीं आ रहा तो क्या जवाब आ रहा है फिर खुद सोचो बात आ रही है समझ में चार जवाब नहीं आएगा तो फिर बताओ ना क्या जवाब आएगा अम मिन गई रिशिन अम हुमुल खाल खून खुद से बने हो या तुमने खुद अपने आप को बना लिया बताओ भाई पूछ रहे खुद से बने हो या तुमने खुद अपने आप को बना लिया इत्तफाक से वजूद में आ गए हो क्या ख्याल है भाई क्या हो गया कुरान का अंदाज समझ में आ रहा है इतफ़ाक़ से वजूद में आ गए हो या तुमने ख़ुद अपने आप को बना लिया है जवाब दो इस सवाल का ये अल्लाह हमसे पूछ रहा है जो मंतिकी होता है ना मंतिकी वो इस बात को इस अंदाज़ से बयान करता कि हम चूंकि मखलूक़ हैं हम चूंकि एक मादी चीज़ है मादा खुद से वजूद में नहीं आ सकता लिहाजा इसको किसी ने बनाया है ये अंदाज़ होता हमारा अल्लाह का अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि लोग ईमान ले आए सिर्फ हुज्जत ताम नहीं करना चाहते देखो आप किसी के सामने दलील से एक बात साबित कर दो तो सामने वाले की नज़र में वो बात साबित तो हो जाएगी लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो मान भी ले तस्लीम भी कर ले जबान से अकर